भाई आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं मार्वल स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड का गेम प्ले प्लेस्टेशन 5 बोले तो PS5 पर। और जैसा मेरा आप सूट देख सकते हो भाई, स्पाइडी सूट, एवेंजर्स एंड गेम या फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाला सूट है भाई। तो एक बार सामने से भी देख लो, आंख चमकती है यार स्पाइडी की। तो और आप लोग ने मुझे कॉमेंट करके बोला भाई कि मैं ये सूट को अभी परमानेंट रखूँ, और हम लोग अब बस एंड के करीब पहुंच ही गए। मुझे लगता है 1 से 2 एपिसोड में स्टोरी खत्म होने वाली है। तो भाई मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में वल्चर और इलेक्ट्रो ने एक साथ अटैक किया था स्पाइडी पे, पर स्पाइडी ने भाई दोनों को रास्ता दिखा दिया वापस से जेल का। तो दोनों जा चुके हैं जेल, और अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं राइनो के पीछे। तो भाई तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो, देव तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। और हाँ भाई, अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो सारे एपिसोड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, एक एक करके आराम से देख लेना। ये देखो राइनो को चलते चल रहा है भाई सेबल के आदमी लोग को कैसे उठा लिया यार, आदमी है यार ये लोग, इतनी आसानी से उठा लिया था। स्पाइडी आ गया रोकने के लिए। बड़ा हेवी लग रहा है यार ये, स्पाइडी भी डर गया भाई। अच्छा इसका क्या करना है, चलो ठीक है मैं समझ गया भाई इसको कैसे ठिकाने लगाना है। अच्छा ये लंबा चौड़ा है ना, तो इसलिए दिमाग से भी थोड़ा सा पैदल है, तो ये चीज को भाई अपने एडवांटेज में यूज करना है हम लोग को। कंस्ट्रक्शन साइट है, तो जो जो जगह पे सामान गिर सकता है वहां पे राइनो को बेवकूफ बना के लेके आना है। राइनो बस मुझे देखेगा और आ जा इधर आ जा भाई। ये देखो अब यहाँ से डॉच करना है, और अरे निकल गया यार, थोड़ा सा और इधर आ जा, ये ले। चलो ठीक है अब इसको कूट देना है भाई, इससे मैं डर रहा था यार। बताओ ये तो बड़ा हल्का निकला यार, ये तो मुझे लगता है सबसे इजी बॉस है। अच्छा अकेले आया यार ये, मार्टिन ली के साथ या फिर स्कॉर्पियन के साथ आ जाता ना तब हालत खराब करता। ले भाई मजा आया, चलो इसका काम भी हो गया, वाह खत्म। अरे भाई मेरी मधुसियत यार, क्या जरूरत था बोलने का यार। लो स्कॉर्पियन भी आ गया यार, अब दोनों मिलके मारेंगे। भाई अच्छा नहीं लगता मुझे जब काम आसानी से होते रहता है। तो अब ये स्कॉर्पियन का क्या किया जाए, ये बड़ा क्विक है यार स्कॉर्पियन, इसको तो मार सकते हैं, पर स्कॉर्पियन दूर से जहर छोड़े जा रहा है। ओए स्कॉर्पियन तेरा भी नंबर आ गया, टेंशन मत ले भाई, पहले इसको ये जो है ना इसको ठिकाना जरूरी है। ये देखो खींच के मारा राइनो, लालच नहीं करता, रुक जाओ एक एक करके आराम से दोनों को मार। सारे राइनो ने यार स्कॉर्पियन को भी मार दिया था। चलो अब इसको ले भाई, फिनिशर आ गया मेरे पास, लास्ट में दूंगा फिनिशर। ले भाई फिनिशर भी खाई ले यार, एक आदमी तो कम से कम जाओ। खींच के मारता है यार ये अपने सिंह से, दूरी बना के रखना है जैसा अपने टोनी कहते हैं, दूरी बनाए रखो, जाल बिछाते रहो। अरे ओ भाई रुक जाओ, हाँ कहाँ है ये रहा सामान, इधर आ जा राइनो। अरे निकल गया यार, धरते कोई बात नहीं, और भी सामान है जहाँ इसको लेके जा सकता हूँ मैं। ये देखो क्या क्या उठा उठा के फेंक रहा है, वो सामान उठा के फेंक रहा है, ये जहर मारे जा रहा है। फिट टू फिट सो जा, दोनों आपस में भी लड़े जा रहे हैं यार, इन दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं है। अरे भाई खींच के मार रहा है यार ये, एक मिनट इसके नीचे जाना होगा, इसको बेवकूफ बना के लाना होगा। आ जा भाई इधर आ जा बस, अरे पर चलो मेरा काम हो गया है, थोड़ी सी हेल्थ गई पर थोड़ा सा काम भी बन गया साथ ही साथ। यार ये जब तक स्कॉर्पियन इसके साथ घूमता रहेगा ना, ये स्कॉर्पियन तेरा नंबर आएगा, टेंशन मत ले। इसे डॉच करना आसान है, पर जब स्कॉर्पियन एक साथ जहर छोड़ने लगता है ना तब टेंशन है। ये देखो अचानक से पीछे बैठा हुआ, ये पत्थर को वापस इसके ऊपर नहीं फेंक सकते यार, ये ऑप्शन होता मजा आ जाता। थोड़ा लेट कर दिया मैंने, हेल्थ गई पर मेरा काम हो गया। प्लीज अब सो जाना यार, इतना तो मार दिया यार राइनो को। मेरे को ये जाना भाई ये दो दो लोग की क्या पॉलिसी है यार, डॉक्टर ऑक्टेवियस एक साथ सारे लोग आ जाते फिर अगर ऐसे ही करना तो चलो ठीक है इसके नीचे आ सकता है ये राइनो। आ जा जाले मार के कोई फायदे नहीं है भाई इसके ऊपर, चलो अब इसको टेक डाउन कर सकते हैं। सो जाना यार सो जाना, कितना मार खाएगा, एक दूर से बस जहर छोड़े जा रहा है। चलो भाई इसका काम हो गया लगता है, सो जा प्लीज सो जा। चलो ठीक है ये तो गया काम से,
राइनो चला गया। अरे स्कॉर्पियन तेरा क्या होगा भाई, तेरा मेन तो जो पावरफुल आदमी था वो चला गया है, ये थोड़ा फास्ट बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, इसको ज्वाला से नीचे भेज सकते हैं, ऐसे छोटा स्पाइडी भी काम आ सकता है, उतना ऊपर नहीं जाता है यार, इसको नीचे लेके आना ही होगा, वेब शूट करना होगा इसके ऊपर। कहाँ गया स्कॉर्पियन, कहाँ छुप के बैठा रहता है यार, ये देखो वहां पे। चलो ठीक है, आप नीचे आ गया, बड़ा ऊपर घूम रहा था। छोटे स्पाइडी आ जा जल्दी से, वो भी मार रहा मैं भी मार रहा। चलो इनका भी काम तमाम, जेल का रास्ता आपको मुबारक हो। ले आपस ही में लड़ने लगे यार ये लोग। Yes, you freak show. ये लोग एक दूसरे की गलती बता रहे हैं। ले राइनो मारने जा रहा है स्कॉर्पियन को, स्पाइडी मदद कर रहा है स्कॉर्पियन की। दोनों को बंद कर दे, दोनों को बंद कर दे, खत्म कर। चलो भाई काम हो गया। अब मैं ये सोच रहा भाई कि बॉक्स के अंदर राइनो स्कॉर्पियन के क्या हल करेगा, देखना चाहिए क्या चल के एक बार। यूरी को फोन किया स्पाइडी ने। Something tells me they won't be as easy. They're only half our problem though. Devil's breath cases are getting worse and Oscorp is being coy about an anti-serum. I'm worried they're seeing dollar signs in a seller's market. I'd expect nothing less from our beloved mayor. Leave Devil's breath to me. One of my best people is on it. सिर्फ दो विलेन लोग और बच गए, मार्टिन ली और डॉक्टर ऑक्टोपस। एमजे ने फोन किया। If this Devil's Breath lab does exist, it's off the books. The only other place I can think to look is in Norman's personal files. I've already been through his MJ office. फिर कुछ खतरनाक करने वाली है यार। Thinking his penthouse? That building's full of Sable's men. If they spot me, other residents could get hurt in a firefight. I know, but I might be able to get in undetected. I can sneak in, find the lab's location and get out. If anything goes wrong, I'll call you for backup. Okay. It's risky, but we need that location. Wait for me to get nearby, then make your move. I'll be ready. ओके एमजे जा रही है नॉर्मन ऑसबोर्न के पेंटहाउस में क्योंकि उनको डेविल्स ब्रेथ का क्योर खोजना है। ठीक है, यानी कि भाई मैं अब समझ गया यार, एमजे बनकर स्टेल्थ से खेलना होगा छुप छुप के। चलो ठीक है, एमजे भी बन ही जाते हैं। स्पाइडी जब नज़दीक पहुंच जाएगा तब स्पाइडी बोल देगा एमजे को कि चलो अब जा सकती हो तुम बिल्डिंग के अंदर, और देखते हैं एमजे क्या करती है यार। सिर्फ दो विलेन बच गए यार, ये अच्छी खबर है कि सिर्फ दो विलेन और बचे हुए हैं, मार्टिन ली और डॉक्टर ऑक्टोपस। आह भाई कब से इंतजार था, ये लोग चैन से जाने नहीं देते हैं यार। जाओ तो भाई इंस्टेंट किल किया जाए क्या, सूट पावर एक्टिवेट। हाँ ये भाई बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये आयरन आर्म्स, पता है ये सूट पावर मुझे अब तक की सबसे बेस्ट सूट पावर लगी क्योंकि इसको देख के मूवी की याद आ जाती है। आप लोग भी ऐसे कॉमेंट में बताना भाई कि आपको सबसे बेस्ट सूट पावर कौन सी लगती है यार, और आदमी होने चाहिए थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, अभी लगता है अब एमजे बनने का टाइम आ ही गया यार। एमजे अब पता नहीं क्या करे यार, एमजे जब भी बनती है ना बहुत फंसाती है, छुप छुप के जाना पड़ता है। एमजे या फिर माइल्स, माइल्स तो चलो फिर भी हैक वैक कर लेता है। एमजे चलो देखते हैं क्या करती है एमजे, स्पाइडी को आसपास रहना होगा बिल्डिंग के, तब एमजे काम कर सकती है। और भाई आप लोग तब तक एक काम करो, वीडियो को एकदम फटाफट से लाइक करो, नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। ये है मार्वल स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड और ये उसके एपिसोड नंबर 12 है भाई, तो एक या दो एपिसोड के अंदर मुझे लगता है कि अब गेम खत्म ही होने वाला है, जो मेन स्टोरी वो खत्म होने वाली है। चलो अब एमजे बनने की तैयारी कर लो यार, देखें एमजे क्या करती है। बिल्डिंग के अंदर आ गए, ओके Norman's क्या करने का? Is on the top floor, but the elevator's on lockdown. Need to get into the security room to unlock it. तो सबसे पहले लिफ्ट को एक्टिवेट करना होगा सिक्योरिटी रूम में जाकर, लेकिन इतने आसानी से ये लोग जाने क्यों देंगे? ये तो गार्ड खड़े हैं सामने। Residents are pretty upset. Maybe I can rile them up to create a distraction. अच्छा ये लोग जो यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, इन लोगों को भड़काना है नॉर्मन के खिलाफ ताकि डिस्ट्रैक्ट हो गार्ड। ओ भाई भड़क जा। My stupid inhaler upstairs. I heard they'll let you up if you claim special circumstances. The health emergency might do it. Really? Come on, let's go talk to security. चलो सब जाके गार्ड लोग से बात करेंगे। जा भाई गार्ड से बात कर, डिस्ट्रैक्ट कर गार्ड को। Hey, let us back upstairs. I've got a medical emergency here. गार्ड सामने से नहीं हट रहा है, लगता और लोगों को इंगेज करवाना होगा। चलो खोजते हैं और किसको किसको इंगेज करवा सकते हैं। ये लेडी मुझे नजर आ रही है, इनको भड़काते हैं। This sort of thing never happens to him. The mayor and his friends are exempt. Security let one of his biggest donors back upstairs right away. I knew it. It's all. चलो ठीक है, ये लोग भी गई और अब इनको भी भड़काना है। Every second we stay down here, we risk catching that plague.
Definitely stay away from the receptionist. Been coughing up a storm. What? MJ कितनी चालू है यार, सबको भड़काते घूम रही है. चलो इतने लोग तो काफी होने चाहिए. हाँ, MJ ने भी बोल दिया. चलो एक और गार्ड बाहर आ रहा है. हाँ, ऑब्जेक्टिव बन गया वहाँ अंदर जाने का. ये रुको, वेट करना होगा, वेट करना होगा. अरे आगे क्यों जा रही है MJ? पीछे से जाना, पीछे से जाना, छुप के. चलो ठीक है, अंदर चले गए. पर अंदर सिबल के आदमी लोग को कैसे संभालेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ. ये क्या है? स्टन गन. ओह चलो ठीक है, फाइनली कुछ तो काम का सामान आया यार MJ के पास. यानी कि स्टन गन यूज करने का मौका मिलेगा. ये कोई निकल रहा है यहाँ से स्क्वायर से. देखें कैसे झट. अरे वाह, फाइनली I like this thing. MJ भी टेक डाउन कर रही है यार. स्पाइडी से बल्कि आसानी से टेक डाउन कर रही है यार. MJ ओपी कर लो भाई चैट में एक बार. चलो इसको डिस्ट्रैक्ट करना है. ये पीछे घूमेगा, इसको जाके झटके देना है. जोर का झटका इनको धीरे से लगने वाला है. लो भाई मजा आया. I'm sure Sable offers work. मतलब इतने पैसे खर्चे करके सिक्योरिटी कलेक्ट की नॉर्मन ने और MJ धज्जी उड़ा रही भाई सिक्योरिटी. मेरी जेन वॉटसन सुपर स्पाई. टाइम टू सुपर स्पाई यार, सही में MJ. सेबल, सेबल है ये और नॉर्मन ऑसबोर्न भी है. एलिवेटर एक्टिवेट करो यार जल्दी से. चलो एक्टिवेट हो गया. एलिवेटर अनलॉक्ड. टाइम टू हेड अपस्टेयर्स. अब ऊपर जाने का टाइम हो गया. वहीं पे जाके डेविल्स ब्रेथ का क्योर मिलेगा शायद, पता नहीं, अब देखते हैं यार. MJ थोड़ा ध्यान से. सेबल भी इसी बिल्डिंग में. जब स्पाइडी का ये हाल किया था सेबल ने, तो MJ का तो पता नहीं क्या ही करे. सेबल जब मिलती है स्पाइडी को मार देती है यार. ये देखो सेबल निकलते हुए जा रही है लिफ्ट में. जा, राइट ऑन क्यू. नॉर्मन भी था यार, बच गया मैं. लिफ्ट का बटन काम ही नहीं कर रहा है. सेबल देख लेगी लगता है. नहीं देख पाई, नहीं देखा सेबल ने. ओ बच गई MJ. चलो अब चल के ऊपर. ACP प्रद्युमन बनने का टाइम आ गया है. यानी कि इन्वेस्टिगेशन करना होगा यहाँ पे. If he's hiding something up here, I'm gonna find it. चलो MJ खोजेगी चल के सब एक-एक सामान को भाई जांचना है. ये क्या है? Debating the Spider-Man problem. So weird. MJ, Sable presence downstairs just ballooned. I think Norman's being moved. Worried they might spot me. I might have had something to do with that. Keep your distance. I should be okay for now. चलो ठीक है. अब इसको investigate करना है. ये क्या? Schematics for a prototype combat mask. Looks like it can reveal structural weaknesses. चलो ये मास्क उठाते हैं. ओह, ये क्या होने लगा? Painting. Wow, this mask is incredible. Is it showing a door hidden in that wall? ये कोई ओह खुफिया दरवाजा. खुफिया दरवाजा है वहाँ पे. ठीक है, इस मास्क को रखते हैं यहाँ पे. अब क्या कर सकते हैं? कुछ यहाँ पे है एक्स्ट्रा? नहीं. चलो इस पेंटिंग को इन्वेस्टिगेट करना है. हैरी और नॉर्मन. सीक्रेट पेंटिंग के पीछे कीपैड. वाह, नॉर्मन मस्ट लाइक स्पाई मूवीज. नीड टू फाइंड द कोड फॉर दैट कीपैड. अब इसके लिए कोड ढूंढना है. इस दरवाजे का कोड क्या होगा? चलो एक एक चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं. जिसको नहीं किया. दरवाजे खुले हुए क्या? डोर्स आर लॉक्ड टिल द सिस्टम चेक फिनिशेस. सिस्टम चेक चल रहा है तब तक दरवाजे बंद रहेंगे. यानी कि अभी इसी एरिया में रहना है. ये बचा हुआ था, इसको भी इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं. ये क्या? अपार्टमेंट. टन्स ऑफ एम्प्टी स्पेस राइट बिहाइंड द वॉल विद अ फैमिली पोर्ट्रेट. वॉल के पीछे बहुत ज्यादा स्पेस है, वहीं पे कुछ हो रहा है. इसलिए कोड चाहिए ही चाहिए कीपैड के लिए. ये क्या रखा हुआ है? वर्क ऑर्डर फॉर कीपैड लॉक. लुक्स लाइक ही यूज्ड हैरीज लास्ट डे एज द कोड. That must be the day Harry left for Europe. ठीक है, कोड का थोड़ा सा हिंट मिल गया है कि हैरी जब यूरोप जा रहा था, जिस दिन गया है हैरी, वही डेट पासवर्ड है उसकी पैड का. तो ठीक है, आप उस कोड को कैसे ढूंढे यार? कितना इन्वेस्टिगेशन. क्या खतरनाक घर है यार. घर पे ध्यान नहीं दिया था मैंने. घर का बहुत तगड़ा जुगाड़ कर रखा है नॉर्मन ने यार. But Norman still manages to get his laundry and cleaning done for him. पूरा शहर बर्बाद हो रहा है ऑसबोर्न की वजह से. ये कोई दरवाजा खुल रहा नहीं है. ये टीवी, इसको इन्वेस्टिगेट करना है. सबको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है क्या? कोर्ट के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा. A different world from Queens.
Funny how Harry always wanted the opposite. Nothing made him happier than watching cartoons on the little... I used to be so jealous of Harry's family. Harry's mom, dad. Norman Osborn or his mom? At least compared to me and my dad. But when Emily got sick, everything changed. Harry ki mom bimar ho gayi thi aur unki death ho gayi thi. Story ke hisab se. Ye Norman ka message hai. Sorry, I'm a little late. Kiske liye? It's been Harry ke liye. Months. I miss you, Em. Em? Achha, Emily. Yani ki Harry ki mom. Norman Osborn ki wife. Emily's terminal diagnosis. I know Harry's mom was sick, but I had no idea it was genetic. Did Harry ever get tested? भाई इन लोग की खानदानी बीमारी यार एमिली की. हैरी भी बीमार तो नहीं है कहीं, क्योंकि हैरी पूरे मार्वल स्पाइडरमैन में कहीं नजर ही नहीं आया. सिर्फ हैरी की बात ही होती रहती है. Norman's bathroom is bigger than my entire apartment. Now I feel sad. MJ के पूरे अपार्टमेंट से बड़ा नॉर्मन का बाथरूम है. New York is about subway rats and street pizza, not sunbathing and umbrella drinks. ये दरवाजा बंद है, यहाँ से नहीं जा सकते. और क्या इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? नॉर्मन ने इतना यार खुफिया दरवाजा बनाया तो कुछ ना कुछ राज बड़ा छुपा के रखा है. हैरी का मैसेज. I'm going to Dr. Michaels for one last shot before the big trip. Hey, if you're going to meet me there, could you grab my journal from my room? I just wanted to record some thoughts on the big bon voyage day. anyway. हैरी जनरल लिख के रखता था, यानी कि उसके रूम में मिल सकता है डेट किस दिन हैरी गया था यूरोप. Wow. Haven't heard Harry's voice in so long. He sounds so Harry, MJ और पीटर. Let's hope that journal is still here. Gotta check his room. अब तो MJ ने भी बोल दिया यार कि हैरी की रूम की तलाशी लेनी होगी, लेकिन हैरी का रूम मिले तो सही. ये क्या है? All this. Norman certainly likes to remind guests of his status. A photo was removed though. कोई यहाँ से एक फोटो हटा हुआ है? यहाँ पे कौन सा फोटो था? चलो ठीक है, अगर गलती से सेबल आ गई ना बैंड बजा देगी एमजे की. स्पाइडी आसपास ही है, पर आने में उसको भी तो टाइम लगेगा ना. टेंशन ये है, यहाँ पे कुछ है. ये तो बाथरूम है, यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ मैं. ये क्या है? ये फोटो. ऑटो और नॉर्मन की फोटो है, दोनों दोस्त हैं. चलो ये क्या है? This is kind of cute. Norman keeps all the campaign buttons from his races. ये कुछ काम का नहीं था. एक और फोटो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल रहा है. ये हैरी के मॉम है, इसके पीछे क्या है? चॉबी, चॉबी, चॉबी. You might have been right. ले सकते हैं? हाँ. Finally. This must be the key for Harry's room. यार कमरे की चाबी इतना छुपा के कौन रखता है? घर तो ऐसे भी लॉक था. क्या है हैरी यार? चलो ठीक है, हैरी का कमरा यही था, मैं तब से खोजे आ रहा था पर ये बंद था. इसकी चाबी वहां रखी हुई थी. What? This can't be for Harry, can it? हैरी के इलाज के लिए ये सब रखा हुआ है क्या यहाँ पे? हैरी भी बीमार हो गया है. चलो इसको इन्वेस्टिगेट करना है. You were sick? हैरी ने बताया नहीं था पीटर और एमजे को कि वो बीमार है. Harry's ये रहा हैरी का जनरल. His last entry is marked July 18. July 18. ये कोड है. That must be the code to that room. कीपैड का. चलो ठीक है, फाइनली मिल गया कोड. और अब कुछ हो गया? कोई आया है? I am Norman Osborn. Sybil. We? You are staying here. The antiserum is ready, and I'm going to supervise production. You will be completely vulnerable without me. I seem to be completely vulnerable with you. I'm going alone. End of discussion. अकेले जा रहा है नॉर्मन. Keep team 2 on standby. I'm getting some air. सेबल भी यहीं रहेगी यार. अब भागने की तैयारी करो एमजे, भागो यहां से. He's ready. He's headed to the lab it's at now. Can you follow? Not without alerting him. Somebody spiked Sable's coffee today. Her men are set on double secret probation alert. Okay, then stay ready. I've almost got the location. अच्छी बात यह कि डेविल्स ब्रेथ का क्योर बन गया और नॉर्मन ऑसबोर्न लेने जा रहा है क्योर, लेकिन एमजे को पहले यहाँ से निकलवाना होगा और एमजे को पता भी लगाना है कि नॉर्मन ऑसबोर्न जा कहाँ रहा है, ताकि वो स्पाइडी को बता सके. छुप छुप के जाए एमजे यार. अरे ओ भाई, क्लोज था यार ये वाला. चलो इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं.
इस कमरे के अंदर जाएगा, इसको मैं घूम के जाके टेक डाउन कर दूंगा। एमजे मिशन फेल मत करवाना, खा झटके। चलो ठीक है, ये भी सो गया। और कहाँ आदमी है? बस बस पहुंच ही गया हूं मैं, बस अंदर कोई नहीं हो। सेबल ना मिल जाए यार, एक आदमी दिख गया, दो आदमी दिख गया, तीन 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 है यहाँ पे। मुझे इतना अंदर नहीं आना चाहिए था, अब जब आ ही गया तो चलो यहीं पे कुछ किया जाए। क्या कर सकते हैं, आ ही रहा है मेरे पीछे पीछे उधर से। चलो ठीक है, इसको टेक डाउन कर सकते हैं। दोनों का मुंह उधर है, जो सामने का, अरे भाई साहब वो उधर जा रहा है, इसको डिस्ट्रैक्ट करना होगा। आ जा भाई, देख देख कुछ हुआ है, जा बस दो कदम और आगे बढ़ेगा। हाँ अब इसको टेक डाउन कर लेते हैं। चलो ये गया काम से, एक उधर से भी आ रहा है, अब फंसा मैं, अब क्या करें, अब क्या करें, किधर जा सकते हैं? ये नहीं देख पाएगा ये सामने वाले को, ये सामने वाले को टेक डाउन कर सकते हैं हम लोग। रिस्क लें क्या? एमजे यार प्लीज जल्दी जल्दी करना होगा। चलो ये सोया, अब यहां से घूम के जाके उसको टेक डाउन कर देंगे। चलो हो गया काम खत्म, प्लीज बोल दो कि काम खत्म हो गया है। अब इस खुफिया दरवाजे के अंदर जाना है, देखते हैं नॉर्मन ऑसबोर्न ने इसके पीछे छुपा के क्या रखा है। खुला जाए इसको। 18 जुलाई। अब देखते हैं इस दरवाजे के पीछे कौन से राज छुपा के रखे नॉर्मन ने। ये क्या है यार? Super. Gotta find the location of the Devil's Breath Lab. Something in this room must be useful. Devil's Breath Lab का पता यहीं से लग सकता है। ये रिकॉर्डिंग है। Norman Osborn, GR-27 Research Log. The whole project has gone to hell. ये सामने इसको भी इन्वेस्टिगेट करना है। ये क्या है? Norman wins इतना खतरनाक मैप शहर का। Looks like the Upper West Side. इसी से पता चलेगा Devil's Breath Lab कहाँ पे है, जहाँ पे Norman Osborn अभी जा रहे हैं। Looks like Norman's tracking Dr. Michael's movements. Dr. Michael यही काम कर रहे थे ना Devil's Breath के ऊपर? Kind of makes sense though. Michael's is the lead on Devil's Breath. Norman Osborn उनका आने जाने का रास्ता को ट्रैक करते हैं। From Dr. Van Adam. Dr. Michael's leads the Devil's Breath team. Wherever the anti-serum is, he must have been too. डॉक्टर माइकल सी को अपने को ट्रैक करना है, क्योंकि जहां वो आते जाते होंगे वहीं पे डेविल्स ब्रेथ की लैब भी होगी, जहां एंटी सीरम बन रहा है। वाओ, डेविल्स ब्रेथ लैब मस्ट हैव अ बिग सेबल। GR-27, दैट्स द कोड नेम फॉर डेविल्स ब्रेथ, दिस इज इट। लैब मिल गया, वाह चलो फाइनली इतनी मेहनत काम आई। एमजे स्पाइडी को बताओ ना क्या आप क्या चेक करने लगी। एमजे यार एमजे चेक कर रही बिल्डिंग के बारे में लगता है। आई नो इट, 10th एंड कैथेड्रल, ऑस्कॉर्प्स रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट। एड्रेस मिल गया कहाँ पे नॉर्मन ऑसबर्न गए। मार्टिन ली इंसिडेंट, GR-27, मार्टिन ली, व्हाट इज दिस, एंड रिकॉर्डिंग इट, आर रोलिंग, आई विल बी राइट नेक्स्ट डोर, जस्ट रिलैक्स एंड लेट द मेडिसिन डू इट्स वर्क। मार्टिन ली पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चे। मार्टिन ली मार्टिन ली के माँ बाप भी साथ में हेल्प करने बोल रही है मार्टिन की मदर। नॉर्मन ने ऑटो का अंदर नहीं जाने दिया, माँ बाप मना कर रहे हैं। मार्टिन ली को मिस्टर नेगेटिव नॉर्मन ऑसबोर्न ने बनाया और उसकी वजह से मार्टिन ली के मॉम डैड की डेथ हो गई। ओ भाई इसलिए मार्टिन ली बर्बाद करना चाहता है नॉर्मन ऑसबोर्न को, ये वजह है। अब एमजे सबूत डाउनलोड कर रही है। मकड़ी, ये क्या है? ओ भाई खतरनाक मकड़ी थी। सेबल को पता चल गया कोई है अंदर। लो बस अब वाट लग गई है, जल्दी भागो एमजे, मतलब डाउनलोड करना भी जरूरी था, कर लिया डाउनलोड। सेबल आ गई, सेबल ने स्पाइडर को नहीं छोड़ा था यार, एमजे के साथ पता नहीं क्या करेगी। मत देखना सेबल, डैमेज मकड़ी। अरे ये बाहर कैसे निकल गई?
बेचारी एमजे के ऊपर चढ़ी हुई है. चिल्लाना नहीं एमजे, चिल्लाना नहीं. We have a breach. High alert. High alert बोल दिया यार सेबल ने. सब आदमी लोग अब एकदम चौकन्ने रहेंगे. मकड़ी को झाड़ो झाड़ो और भागो यहाँ से जल्दी से. काटा नहीं ना, पता चला एमजे भी जाले मारते घूम रही है. Pete, I've got the lab location and a lot more. How far away are you? Two avenues over. Say the word and I'm there. Great. ठीक है. Keep the motor running. जैसे ही एमजे बुलाएगी वैसे ही स्पाइडी आ जाएगा. पर ये सब आदमी लोगों को पहले टेक डाउन करना होगा. बालकनी में जाना है. पर इन लोग भाई बिना टेक डाउन के जा नहीं सकते. चल सो जा तू. आगे एक और है. सेबल रास्ते में नाम मिल जाए यार कहीं. इसको टेक डाउन कर सकते हैं अभी. जल्दी 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 एमजे. जाना तो आगे है पर मैं सोच रहा हूँ ये जो पीछे एक आदमी इसको भी टेक डाउन कर ही देते हैं क्योंकि पता चला इसने देख लिया तो. सो जा भाई. चलो यहाँ जाना है. बालकनी कहाँ पे थी अभी तो मिली थी यार. इतना बड़ा पेंट हाउस है मैं भूल जाता हूँ. जब अभी यहाँ कुछ देर पहले घूम रहा था कोई नहीं था यार. कितना अच्छा लग रहा था घर. अब यहाँ आदमी लोग भर गए तो यार एमजे निकल जाए यार किसी तरह जल्दी से. ये दरवाज़ा भी खुला हुआ पर यहाँ भी आदमी है. पर ये उस साइड देख रहा है. अरे रे 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 दोनों साइड से आदमी है. क्या करें, एक को डिस्ट्रैक्ट करें पर ग्लास के थ्रू मुझे देख लेगा. उसको शक हो रहा है, उसको शक हो रहा है. इसी के पीछे मैं ठीक हूँ भाई. चलो अच्छा ये दोनों अलग अलग हो गए. अब अपना काम कर सकते हैं. किसी को छोड़ के नहीं जाने का. ये थोड़ा सा और आगे जा. हाँ इसको टेक डाउन कर सकते हैं यहाँ पे. सो जा भाई तू. गुड नाइट. एक और सामने दिख रहा है. एमजे रुकना मत. अगर वो पलटा ना मिशन फेल. चलो ये भी सो गया है. बालकनी सामने ही होनी चाहिए. ये देखो मिल गया मुझे. अब मैं किसी के लिए नहीं रुकने वाला हूँ. आदमी आए चाहे कोई आए मैं दौड़ने वाला हूँ. दौड़ जाए एमजे. रुकूंगा नहीं मैं. जिसको शक होता होते रहा. अरे इसको भाई. सो जा तू. बालकनी क्लियर हो गई है. स्टोरी दिखाने लगी. देख लिया सेबल के आदमी लोगों ने. स्पाइडी आ जाओ बचाने जल्दी से. सेबल भी आ गई. दोनों गन लेके आ गई सेबल. अब क्या होगा. स्पाइडी आओ. अरे कूदने वाली है क्या एमजे. एमजे कूदने वाली है. मना कर रहा है स्पाइडी. रुक जाओ कुछ देर. स्पाइडी बचा. अरे आ गया भाई आ गया. थैंक गॉड. You are crazy. पागल यार एमजे सही में. बचा लिए स्पाइडी ने यार. स्पाइडी ओपी हो जाए यार चैट में. कुछ भी बोलो बड़ा खतरनाक बचाया यार स्पाइडी ने. मजा आ गया. फीस सेंटर लेके आ गया स्पाइडी. ये सूट रात में ज्यादा अच्छा लगता है. जब रात में दोनों आंखें चमकती हैं तो. Harry sick? Norman and Lee and Dr. Octavius? I know. एमजे ने सब बता दिया कि हैरी बीमार है और नॉर्मन और ऑटो ने मार्टिन ली को बनाया. This is all my fault. No, not this. स्पाइडी की गलती थोड़ी है. You are not alone anymore, Pete. Let Miles and me look after Feast. You find Norman. You find the cure. नॉर्मन के पीछे जाना है और एंटी सीरम ढूंढना है जाके. Thanks, partner. ये अच्छी लग रही है यार इन दोनों की लव स्टोरी. इतने बुरे में कुछ तो अच्छा हो रहा है. अब नॉर्मन के पीछे जाना है क्योंकि वो जा रहे हैं एंटी सीरम लेने के लिए और उनसे एंटी सीरम छीनने की कोशिश करेंगे डॉक्टर ऑटो और मार्टिन ली. अरे मकड़ी, एक मकड़ी आ गई एमजे के साथ. एमजे भी कहीं स्पाइडर गर्ल बनने वाली है क्या यार. ये रेडियो एक्टिव मकड़ी थी पक्का. इसका कुछ तो होने वाला है. और फिलहाल अभी ऑस्बोर्न के पीछे जाना और एंटी सीरम लेना है. Convince them to give up this crusade for revenge. They've both done so much good for the world. They can't throw their legacies away just to spite Norman. स्पाइडी ऐसा चाह रहा है कि बात करके ऑटो और मार्टिन ली को समझा दे पर वो लोग समझ जाते तो फिर गेम कहां से बनता है यार. यूरी को फोन किया स्पाइडी ने. It is. Oscorp just created an anti-serum. There's a cure? Oh, thank God. How quickly can we get it to people? I'm on my way to find out. The lab is at 10th and Cathedral. Wait. I just got a report of a helicopter going down in that area. Oh no.
That could be Norman's helicopter. Wah, kand ho gaya yaar. Officers your way, but I don't have. Demon log ne lagta attack kar diya Norman pe. This will all be over soon, I promise. Ek to jaane nahi dete yaar ye log chance se. हर दो चार बिल्डिंग के बाद कोई ना कोई एम लगाते रहता है स्पाइडी के ऊपर, या तो सिविल के आदमी लोग या फिर वो लोग जो प्रिजन से भाग गए थे। चलो यहाँ से यार जल्दी से जाया जाए। नॉर्मन ऑस्बोर्न की बैंड बजा रहे होंगे डीमन लोग या फिर डॉक्टर ऑक्टोपस ने उठा लिया क्या डायरेक्ट भाई। फाइनल फाइट तो नहीं होने वाली है। सिविल के आदमी लोग भी हो सकते हैं वहाँ पे हो, यानी कि स्पाइडी के लिए काम दुगना होने वाला है। नॉर्मन ऑस्बोर्न अकेले गए थे ना। हाँ कांड हो गया उनके साथ। स्पाइडी जल्दी जल्दी चलो भाई, और आप लोग जल्दी जल्दी एकदम वीडियो को लाइक कर लो भाई, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो, और आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि अगले एपिसोड में चेंज किया जाए शूट। पता नहीं अगला एपिसोड आएगा भी कि नहीं आएगा, हो सकता है इसी में फाइनल हो जाए। अभी देखना है जाके कि नॉर्मन ऑस्बोर्न पे अटैक किसने किया है। दो दो करके जोड़ी में आ रहे थे ना, तो दो दो चार तो चले गए, तो सिर्फ दो और बच गए, मार्टिन ली और ऑक्टोपस। यार दोनों से एक साथ लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, देखते हैं। चलो पहुंच ही गए ऑलमोस्ट, दोनों से एक साथ लड़ना पड़ा ना यार। अपडेट कर लेना चाहिए था मुझे अपनी सूट पावर, जितना था सब स्किल ले लेना चाहिए था। चलो अब पहुंच ही गए तो अब फाइट कर ही लेते हैं। सामने ही दिख रहा है मुझे, अरे देख रहे हो हर दो बिल्डिंग के बाद कोई ना कोई गोली चलाया जा रहा है। और आप लोग ने कमेंट में मुझे बोला था भाई, ज्यादा लोगों ने बोला कि साइड मिशन में कम खेलूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं अभी अब तो खत्म ही होने वाला है ये, तो अभी हम लोग साइड मिशन कम ही खेलेंगे। ये देखो मार्टिन ली, फाइट होने वाली लगता है मार्टिन ली से, और उन लोग साथ डीमन लोग भी है, फुल पावरफुल होके खड़े हुए मार्टिन ली। ओपन इट, दरवाजा खोल दिया, कोई गोली चला रहा है टेबल के आदमी लोग। लो उन सब की बैंड बजा दी ली ने, अंदर चलेगी भाई ब्लैक एंड व्हाइट आदमी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मिस्टर नेगेटिव। नॉर्मन ऑस्बोर्न को खींचते हुए ले जा रहे हैं यार ये लोग, ये तो डिजर्व करता है खैर के ऑस्बोर्न, पर अभी ऑस्बोर्न को बचाना जरूरी है क्योंकि वही बता सकता भाई एंटी सीरम कहाँ है। यानी कि इन लोगों को पहले टेक डाउन करना होगा, उसके बाद ही अंदर जा सकते हैं, और सबको साइलेंटली टेक डाउन करना होगा। क्या भाई सो जा, बहुत टाइम के बाद ये स्टेल्थ वाला ऑप्शन आया है, अब यहाँ से सबका साइलेंट टेक डाउन करना होगा, वरना कोई ठीक नहीं। नॉर्मन ऑस्बोर्न का गेम बजा दे भाई ली। ऐसे नॉर्मन ऑस्बोर्न तो डिजर्व करता है, मार्टिन ली को जो भी बनाया है ऑस्बोर्न और ऑटो ने बनाया। ऑटो ऐसा नहीं चाहते थे, पर ऑटो मदद करना चाह रहे थे मार्टिन ली की, लेकिन ऑस्बोर्न ने मदद नहीं करने दिया और ली के मापा की यार डेथ हो गई ऑस्बोर्न की वजह से। ये चलो एक और आदमी दिख रहा है मुझे, इसको भी चुपचाप से टेक डाउन करना होगा, स्नाइपर इसके पास। चल सो जा। देखिए और कितने आदमी, छः सात आदमी और दिख रहे हैं मुझे। अच्छा लॉन्चर भी लेके खड़े हुए सुला सकते हैं, ये सेफ है, ये डेंजर है यार, इसको नहीं मार सकते अभी, वेट करना होगा इसके सेफ होने का। इसको कौन देख रहा है, ये जो डेंजर में है इसको मार नहीं सकते अभी, इसको बुलाना होगा तब, यानी कि इसको कोई देख रहा है, इसको अभी नहीं मार सकते हैं, उनको वेट करना होगा। तू जा डिस्ट्रैक्ट हो जा, ये सेफ है, अब चेक करना होगा, ये सेफ है। चलो ठीक है, एक गया और ये दूसरा भी गया, और कितने आदमी बचे हैं। अरे यार बहुत आदमी है यार, सबका स्टेल टेक डाउन ही करना होगा, रिस्क नहीं ले सकते हैं, बस चेक करते रहना है कि आदमी सेफ है कि नहीं टेक डाउन करने से पहले। इसके नीचे दो हैं, दोनों को अलग अलग करना होगा, डिवाइड एंड रूल। ये सामने वाले आदमी को आगे बुलाना होगा। कहाँ गया, आजा भाई देख यहाँ पे कुछ हो रहा है, जल्दी से आजा। हाँ चलो ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद इसको चैन की नींद सुला देंगे। जल्दी आना यार, क्या धीरे धीरे आ रहा है। सेफ है ये, इसको टेक डाउन कर सकते हैं। हल्ला हो रहा है, अब सबको पता चल रहा है कि स्पाइडी आ गया है, पर किसी को देखने नहीं देना है, सबको खोजते रहने दो। ये नीचे वाले को टेक डाउन कर सकते हैं, ये सेफ है, स्पाइडी देख सेफ है। चलो टाटा, और एक और सामने भी है। अरे नहीं, दो तीन लोग एक साथ देख रहे हैं। स्पाइडी निकल, जल्दी निकल यार यहाँ से। अरे इतना बाहर नहीं जाना है कि मिशन ही लीव हो जाए। ऊपर से आराम से खड़े होकर देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे आदमी लोग हैं। ठीक है, लोकेशन मुझे पता चल गई सबकी। एक वहाँ चेक कर रहा है, वो डेंजर, उसको नहीं मार सकते अभी।
अब मुझे लगता है सेफ हो जाने चाहिए। जाना देख कुछ हुआ आगे। अरे नहीं, नीचे दो हैं, दो हैं नीचे, दोनों एक साथ है, दोनों को अलग करना होगा। कोई देख रहा है मुझे? छुपने दो। सो गया ये? तू भी सो जा, हंटर वाला था यार ये। Spider-Man, leave now. My men will Sable handle भागने बोल रही है यहाँ से। Sable? Lee wiped out the agents stationed here. They're not handling anything. You have been warned, superhero. Sable आने वाली यार, कहीं Sable से फाइट नहीं हो जाए। Easier to take these guys out if they're split up. चलो इन दोनों को अलग करना होगा। तू आगे जा। अरे बॉक्स में मारना है। जाना? जाता क्यों नहीं? अरे जा यार, देख कुछ हुआ है आगे। चेक करने गया? अरे मनहूस, तो एक काम करिए, ये देख अब जाएगा। हाँ अब ना हुआ सेफ, ये भी इधर ही आ रहा है। चलो दोनों का एक साथ काम तमाम कर सकते हैं। एक सो गया और दूसरा भी काम खत्म। नहीं और कोई बचा हो? दो आदमी लोग और हैं। चलो ठीक है, अब तो सारे लोग हो ही गए। ऐसे Sable ने बोल दिया कि Sable ने बल्कि वार्निंग दिया, बोला नहीं यार, वार्निंग दिया Sable ने, यहाँ से निकल जाओ। टाटा एक और है। चलो भाई साहब आपका तो काम हो ही गया, सारे साथी निकल गए, अब आप बच के क्या करोगे? खतरनाक यार, डेंजर लगा ये सूट देख के सामने से। अब क्या Sable के जेट पैक वाले आदमी लोग आ गए यार, ये सबसे खतरनाक आदमी लोग हैं Sable के। देखो कुछ करने ही नहीं दे रहे एक साथ। ओ भाई पूरा मेरा सर्किट फेल कर दे रहे हैं ये जेट पैक वाले आदमी लोग ना। डीमन लोग से ज्यादा डेंजरस है, डीमन वाले लोग तो कुछ नहीं है इन लोग के सामने। तीन तीन एक साथ घेर लिया तीनों ने, तीनों की एक एक करके वॉट लगी। टेंशन मत लो, ये नेट फेंका था इसको, मैं फेंक सकता था वापस, टाइम नहीं मिला। ले भाई जा, जल्दी से इन लोग को सुला के अंदर जाना होगा। चलो एक का तो टाटा हो गया है। अरे नीचे भी आदमी लोग हैं यार, Sable को क्या चाहिए? Norman Osborn को तो बचाने ही जा रहे थे यार। ये ले, पिछले बार नहीं फेंका था, इस बार फेंकूंगा। लॉन्चर मारा यार, लॉन्चर को वापस फेंक देना चाहिए था उसी के मुंह पे। चलो दो आदमी का काम तमाम हो गया, एक और जेट पैक वाला बचा हुआ है। हो जा, चलो इसको जाला बार बार के चिपका देते हैं। हाँ चिपक गया है। बताओ यार मैं एक सोच रहा था, ये ले ग्रेनेड लग जा, यहाँ दो दो बचे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, सामने ही जाना होगा लगता है, यहाँ से नहीं लग रहा है। अरे लगना यार, इतना दूर नहीं जाता है। नहीं अब जाना ही होगा इन लोगों के पास, और कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है। अच्छा एक्चुअली तीन है, दो भी नहीं है, तीन तीन है। वाह मजा ही आ गया, स्वाद आ गया मुझे। अजीब Sable के आदमी लोग ने यार नाक में दम करके रखा हुआ है, तो बचाओ भी इन लोग के बॉस लोग को और ऊपर से लड़ो भी। चल सो जा तू, गुड नाइट। यहाँ क्या हथियार है यार इन लोग के पास। टाटा, चलो इसका भी टाटा हो गया है। दो जेट पैक वाले लोग और बच गए, जिसमें से एक का काम खत्म, बस एक फाइनल। अब तू क्या कर लेगा यार अकेले? चलो सबका काम खत्म हो गया ना। अरे एक और कोई बचा हुआ है। अरे कितने जेट पैक वाले भेज के रखे हैं यार, मनहूस ने देखो कितना मार दिया। तू तो फिनिशर का हकदार है, दोबारा स्पाइडी के रास्ते में मत आना। चलो अब अंदर जाने का ऑप्शन आ गया, अंदर जाए जाए, फटाफट अंदर चलो। Why are you so इतना हैवी दरवाजा क्यों हो रखा है? खोलो खोलो दरवाजा। अरे Sable फिर आ गए यार, अब फिर मारेंगे स्पाइडरमैन को। जब आती है देखो, अच्छा अच्छा बॉस लोग नहीं मार पाते हैं। Destroy my equipment and cost my client millions. Give me one good reason I should not kill you right now. Listen, I don't like you, you don't like me, but Lee has your client inside this building right now, and he's gonna kill him if we don't do something. We could fight each other. We can fight Lee, but not both. Team up करने बोला स्पाइडी ने, लगता है ओ दोस्ती हो जाएगी क्या? ओ चलो ठीक है, साथ दे रही है Sable भी Norman को बचाने के लिए। Does it mean we're good?
You will help me secure Norman. After that, I make no promises. Works for me. Norman को बचाने के बाद फिर से दुश्मन नहीं रहेगा. चलो ठीक है. अब कौन आए? डीमन लोग आ गए. You secure Osborn. I will talk to them. चलो ठीक है. स्टेबल तो इन लोग संभाल लेंगे और मुझे फाइट करना है मार्टिन ली से. हाँ, ये डायरेक्शन भाई मार्टिन ली की तरफ जा रहा है. This ends tonight. इसके नीचे जाना है. मार्टिन ली से फाइट होने वाली है. नीचे ही जाना है क्या? ऊपर तो रास्ता बंद है यार. नीचे ही जाने का है. feast. यार नीचे गिर के कुछ होगा नहीं ना. चलो ठीक, नीचे भी आ गए. कितना नीचे चला गया यार मार्टिन ली. लास्ट टाइम भी राइनो के पीछे हम लोग जा रहे थे और साथ साथ स्कॉर्पियन भी आ गया. इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है क्या? नीचे ही जाना होगा अपने को. यार क्या एरिया बना के रखा मार्टिन ली ने. यहाँ आना था. अब शुरू होने वाली बॉस फाइट. फिर से दिमाग में मत घुसना. अरे I know about the accident. I know what happened to your parents. फिर से दिमाग में घुस गए मेरे. Accident. You sound as clinical as Osborn. मार्टिन के पीछे पीछे जाना है. Because of me. Because of what Osborn did to me. आ रहा हूँ ली. You're more than your छलनी करूंगा. Don't let it control you. बेचारा स्पाइडी समझाना चाह रहा है. मत करो ऐसा. कहाँ जाने का है? कहाँ गया ली? अरे कहाँ गया? वो गया. अच्छा आगे ही जाना है. चलने लगा स्पाइडी. कुछ होने वाला है. भागने को ऑप्शन नहीं दे रहा है. आगे ही जाना है. क्या होने वाला है? इतना सब कुछ शांति क्यों है? कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है भाई. डर लग रहा है. Lee's pain. यार ये वाला स्पाइडी सूट हर मिशन में अच्छा लग रहा है. It's fueling his power. मार्टिन ली का दर्द ही उनकी ताकत का कारण है. मार्टिन ली के मॉम डैड. क्या हुआ ये? लैब में आ गया क्या वापस? मेरे दिमाग से निकला ये आदमी कुछ देर पहले. क्या हो रहा था कुछ देर पहले? डॉक्टर माइकल्स. मार्टिन ली को एंटी सीरम दे रहा है. दिस इज द ओनली सैंपल. तोड़ देगा क्या मार्टिन ली? सिर्फ एक ही सैंपल है एंटी सीरम. नो. चलो. नो मार्टिन. ऑसबोर्न भी यहीं पे है. Told you, I'm sorry. It was an accident. I was trying to help. You don't help people. You use them. मारने का लक्ष्य मार्टिन ने. स्पाइडी ने रोक लिया. This won't bring your parents back. मार्टिन ली को ठीक करना चाह रहा है स्पाइडी. I'm trying to save this piece of scum. I'm trying to save you, Martin. Don't let revenge win. Fight it. ठीक हो जाएंगे क्या मार्टिन ली? हो सकता है. साथ दे मेरा. अरे नहीं यार, ये साथ नहीं देने वाला है. आ जाओ यार, आ जाओ, कर ही लेते हैं फाइट. स्लो मोशन मोड़ते हुए आ रहे हैं यार ये. अब यही तो यही सही. अच्छा ये बात, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है क्या यार? चलो अब कूटने का टाइम आ गया है. लास्ट टाइम ट्रेन में हराया था, अब यहाँ पे हराना होगा. और तलवार की स्पीड देखी. सो जा सो जा सो जा. इनको सुलाना इतना आसान नहीं होगा. चोर सामान है यहाँ पे. चलो अच्छा, ये पावर यूज करके कमजोर हो जाते हैं, याद आ गया. अब तो यार बस इनसे बचते रहना जब ये पावर यूज कर रहे हैं. ये देखो क्रिश बन गया अचानक से. देखते रहना अचानक से क्रिश बन के दौड़ता है यार ये. चलो ठीक है, अब पीट सकते हैं. कमजोर हुए क्या? बच गया. वीक होने का वेट करना है. बाकी जो बीच बीच में मार सकते मारेंगे जैसे अभी. पर मेन जब ये वीक होंगे ना अपनी पावर यूज करके, तब ज्यादा मार सकते हैं मार्टिन ली को जैसे अभी.
स्टोरी दिखाने लगी। अरे स्क्वायर दबाना, स्क्वायर दबाना है, ये क्या खुल गया? जल्दी जल्दी जल्दी, अब तो यार और उछल उछल के मार रहा है यार ये आदमी, कुछ करने ही नहीं दे रहा। मेरी हेल्थ एकदम ऑलमोस्ट डाउन है, पर कोई बात नहीं, स्पाइडी संभाल लेगा। वीक होने का वेट करेंगे भाई अपन, वीक होने दो इनको पहले। हाँ वीक हो गए, वीक हो गए। ठीक है, दूरी बना के रखना है, इनको पावर यूज करने दो अपना। जैसे ही वीक होगा भाई ली फूट दूंगा मैं जाके सामने। पावर यूज कर लो, कर लो जितनी शक्ति सारी यूज कर लो। ऐसे सामान फेंक फेंक के भी मार सकते हैं, पर रिस्क नहीं लेंगे। वीक हुए क्या? हाँ अब ना होगा, वो टाइगर सिलसिला शुरू। और मार सकते हैं क्या? लालच नहीं करना है, लालच नहीं करना है। चलो ठीक है, अकेले है ना तब तक ठीक है। ऑक्टोपस बस ना आए, और ना ही कोई इनके मिनियंस यानी कि डीमन लोग नहीं आए, बाकी ठीक है, अकेले क्या ही करेगा। चलो इसका काम तमाम होने ही वाला है, बस वेट करना है। ये अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार है, और यूज करेंगे। और भाई कोई बात नहीं, चलो काम हो गया लगता है मेरा, काम हो गया ना। बाल सफेद हो गए यार इनके। You can walk away. No. Osborne must suffer. ये क्या है, इतना बड़ा मॉन्स्टर, अब इससे फाइट करना है क्या? अरे इससे कैसे लड़ेगा यार स्पाइडी? इसके मिनियंस भी आ गए, इंस्टेंट किल एक्टिवेट। हाँ भाई ये सूट पावर अब जाके ना काम आई है यार, खतरनाक सूट पावर। सूट पावर अब ओपी होना चाहिए यार, बहुत ही मस्त टाइम पे काम आई भाई सूट पावर। पर वही है कि बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, मुझे लगता है अब इसके बाद यूज भी नहीं कर पाएंगे इस पूरे मिशन में। ठीक है, ऐसे जरूरत भी नहीं है, जब जरूरत थी तो बहुत काम आ गई यार। अब इससे दूरी बना के रखना है, जैसे ही ये वीक होगा उसके बाद इस पर टूट पड़ना है। देखते रहो इसको, करने दो भाई करने दो इसको जो कर रहा है। चलो ठीक है, बूम बाम बाम। अरे बड़ा वाला मॉन्स्टर आ गया, भागो यहाँ से। अच्छा ये डीमन निकलेगा तो सामान छोड़ के जाएगा, उसके बाद उसी सामान से मार्टिनली को कूटेगा। वाह वाह मार्टिनली, थैंक यू रास्ता दिखाने के लिए। ये बड़ा वाला डीमन से बस बच के रहना है, इसी तरह मार ही देता है। अच्छा हाँ भाई तू कर दे, तू कर दे, जो अपना हाथ वाथ साफ करना है कर ले। एक सामान छोड़ के जाएगा और फिर उसी से फेंक के मारेंगे मार्टिनली को। लो बच के भाग रहा है यार ये, फिर निकला। अच्छा भाई इससे बड़े वाले मॉन्स्टर से फाइट नहीं करना था, जब इसके क्रिएटर से फाइट कर लेंगे तो फिर ये बड़ा वाला मॉन्स्टर भी अपने आप गायब हो जाएगा आई थिंक। दिस विल ऑल बी ओवर सून, आई श्योर होप सो। इतना मार खाने की बात भी नहीं सुधर रहा, क्या आदमी है यार। चलो ये बड़ा वाला डीमन गया, ले भाई इसके मिनियंस को नहीं मारना है यार। ये ऑटो टारगेटिंग वाला जो सिस्टम है ना, इसके मिनियंस को क्यों मैं मारूंगा यार, मैं डायरेक्ट मार्टिनली को संभालता हूँ। सो जा। चलो ऐसे दो चार ही मिनियंस हैं, खत्म। अरे ये तू सामने कहाँ से आ गया यार, फिनिशर इसके ऊपर चला गया, वेस्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा ही लोग हैं, इन लोग पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन लोगों के ऊपर, निकालो इतने इतने गैजेट्स भाई किस दिन काम आएंगे। चलो ठीक है तुम लोग बिजी रहो, तब तक मैं काम कर लेता हूँ मार्टिनली के ऊपर। अरे मार्टिनली तेरी तो, हाँ चलो कमजोर हो गया ये, इसको अभी पूरा कूट सकते थे यार ये इसके मिनियंस की वजह से ना। चलो अभी साइड ही रहो, इतने इतने लोग हैं, इन लोग से फाइट करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं मार्टिनली पे ध्यान देता हूँ। दूर में भी चैन से नहीं बैठा हुआ है मार्टिनली, कुछ ना कुछ किए ही जा रहा है उधर, देख लो। तेरे को छोड़ूंगा नहीं मार्टिनली, रुक जा। इतने इतने आदमी लोग को अपने रक्षा के लिए रखा हुआ है, ये तो बड़ा राक्षस भी आ गया। अरे बड़ा राक्षस तो मेरा काम कर देगा,
हाँ ये जब हाथ चलाएगा तो आधे मिनियंस तो ऐसे ही चले जाएंगे। चलो भाई इसका काम कर सकते हैं मार्टिन ली का। स्पाइडी इसी को मारते रहा, ध्यान मत भटकाना। अब ये ले मार्टिन ली की, अब छुट्टी कर ही दे यार, बहुत हो गया मार्टिन ली का। देखिए और कोई सामान दिख रहा है क्या सामने? बस इन लोग से दूरी बना के रखो, मौके की तलाश में रहो। अरे यार ये एक और निकला डीमन। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, हेल्थ थोड़ी सी है पर काम बन जाएगा मेरा। चलो खत्म। हाँ मार्टिन ली का काम तमाम हो गया है फाइनली। एक और बॉस खत्म, डॉक्टर ऑटो में आ रहा हूँ। अरे यार ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है यार, ये क्या आदमी है? स्पाइडी ढूंढ दे यार। अरे वाह मजा ही आ गया, जबड़े पे मारा एक किक। ये डीमन का क्या होगा? चलो ये भी गायब हो गया, खत्म। चलो एक और बॉस खत्म। अच्छा डीमन लोग भी गिर गए मार्टिन ली के जाने के बाद। Osborg needs to pay. I know. ये cure, anti serum. But this is the wrong way, Martin. अब कौन आया? Octopus होंगे यार पक्का, वही लग रहा है मुझे। कौन है? हाँ वही लग रहा है भाई। हाँ आ गया main villain. लगता है final boss fight भी होने वाली है। Useless. अरे मार्टिन ली को भी मार दिया यार, ये लोग आपस में लोग बनती नहीं है। एंटी सीरम टूट नहीं जाए, गिर गया। ऑक्टोपस बहुत इंतजार था आपका, फाइनली आ ही गए मेरे सामने। स्पाइडी जाने मत देना, अब शुरू करते हैं। एंटी सीरम लेने जा रहा है स्पाइडी। और ये उठा ले जाला। हाँ भागने नहीं दे रहा है यार ऑटो यहाँ से। ओ भाई पूरा सूट मेरा बर्बाद कर दे रहा है यार, ये बेहोश कर दिया। क्या होने वाला है? स्पाइडी बेहोश हो गया। सिविल मदद करेगी क्या? क्या होगा? हाथ से सीरम गिर गया, ऑक्टोपस ने ले लिया सीरम। ऑटो नॉर्मन, दोस्ती थी इन लोग की पहले। नॉर्मन का दिन अच्छा नहीं चल रहा है। स्पाइडी बेहोश हो गया यार, मुझे लगा फाइनल बॉस फाइट होगी। ऑस्बर्न तो गया। That look on your face. You can't imagine how satisfying it is. नॉर्मन का लगता है टाटा होने वाला है। Ready for your final act? अच्छा उठा के ले जा रहे हैं। फाइनल एक्ट यानी कि फाइनल मिशन। अच्छा पर स्पाइडी तो बेहोश हो गया यार, बहुत मारा ऑटो ने। अभी एक बॉस फाइट करके आ रहा था, मेरा सूट बर्बाद कर दिया क्या? सिबल आई कुछ देर पहले, नहीं आ सकती सिबल। Hey, where's Otto? Gone. I would not worry about him right now. He needs a hospital. No, no hospital. Feast. Feast ले जाने बोल रहा है, हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है स्पाइडी। फीस्ट में कोई ना कोई इलाज कर ही देगा, आंट में भी तो वही होंगी। चलो फीस्ट आ गए हैं, लगता है माइल्स है यहाँ पे। क्या कर रहा है माइल्स? सबकी मदद कर रहा है यार माइल्स, अच्छा लड़का है। स्पाइडी आ गया। I need to speak to your head doctor. There's no doctors here. Who's running this place? Me, mostly. Oh, okay. Well, it's been a while, but I'll do my best. I'll need masks, gloves, right. Whatever you have that's sterile. Dr. Michael ilaaj karenge. Bhai, Spidey ko kuch hone nahi jayega. You can thank me by not dying. Sibal to yaar bahut maanne lagi Spidey ko. MJ bhi aa gayi. Oh my god. यार स्पाइडी ठीक हो जाए यार, अभी तो ऑटो से फाइट भी करना है। एमजे को देख के सिबल निकल ली। सिबल को प्यार हो गया क्या स्पाइडी से? ऑटो से कौन फाइट करेगा? स्पाइडी तो यहां लेटा हुआ है। क्या हुआ? ठीक है
ठीक हुआ स्पाइडी? He'll live. अच्छा ठीक है ठीक है. डॉक्टर ने आराम करने बोला पर स्पाइडी अभी आराम का टाइम कहाँ है यार. ऑटो लेके चला गया एंटी सीरम. पूरा सूट बर्बाद कर दिया यार ऑटो ने. आंट में कहाँ है? क्या आंट में कहाँ है? आंट में भी बीमार हो गई है यार डेविल्स ब्रेथ की वजह से. अरे मैं तो भूल ही गया था इसको. कभी भी डेथ हो सकती है भाई. स्पाइडी जल्दी चल यार आंट में को बचाना है. Where are you going? I need to find Otto. He has the anti-serum. Anti-serum Otto के पास है. Otto से लेके आना ही होगा आंट में के लिए. Maybe you can't. Maybe Spider-Man needs help from his friend Peter. Spider-Man को पीटर की हेल्प चाहिए. कैसे? Peter helped build those arms, remember? If anyone can find a weakness, it's him. पीटर ने मदद की थी हाथ बनाने में. पीटर ही उसके अंदर वीकनेस ढूंढ सकता है. लैब जाना होगा जल्दी से. चलो भाई लैब चलते हैं. यार लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है बेचारा स्पाइडी. ये मकड़ी, अरे मैं तो इसके बारे में, यार ये कितना सारा चीज एक साथ चल रहा है. ये मकड़ी अब क्या करेगी यहाँ पे? क्यों भाई मकड़ी को क्यों इतना बार बार दिखाया जा रहा है? ये देखो पूरी एक स्टोरी दिखा रही है यार. कुछ तो होने वाला है मकड़ी के साथ. Alright. ओ भाई अब न क्लियर हुआ यार क्या है. माइल्स को काट लेगी मकड़ी और इसीलिए माइल्स स्पाइडरमैन बन गया है. अच्छा हाँ काट लिया. हाँ मैं समझ गया था. तब से मैं सोचे जा रहा हूँ यार ये माइल्स मोरालेस में ये माइल्स स्पाइडी कैसे बन गया है. ये हुआ था अब जाके कहानी क्लियर हुई ना यार. भाई बहुत सारी चीज क्लियर हो गई है एक साथ. पर फिलहाल अभी ऑटो के पास जाना है अपने को और उससे पहले लैब जाना होगा ऑटो के मशीनी हाथ की वीकनेस ढूंढने के लिए. Neural interface. That means I can destroy it. There must be something at the lab I can use. आंट मे को बचाना है. तो भाई आज के एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे और मैं इसको कंटिन्यू करूंगा अगले एपिसोड में. तो जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, नहीं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना. मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय. ख्याल रखो, सेफ रहो. बाय-बाय.